ये गेट वही है ना, ओ स्त्री कलाना वाला। हाँ भाई वही गेट है ये तो। अरे कंगन चूड़ी पड़ी है भाई ना, तो बच के साइड में। हाँ देखना ये कितनी भूतिया जगह है भाई, ये देखो बंदर है यहाँ, हॉन्टेड जगह है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे हो सभी भाई लोग? भाई आशा करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। और अब सुबह नहा धो के तैयार हो गया, अपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो मेरे जिया जी हैं उनका ये गांव वाला घर है, इनको इसको ये ना हवेली कहते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसी है इनकी हवेली, देखिए आपको रियर कैमरे से दिखाता हूँ। दोपहर की बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पे भाई, धूप बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन रात को बहुत ठंडा। हम यहीं सोए थे छत पे, यहाँ बिछा के ना अपने, यहाँ सारा देखो पानी की बोतल भी यहीं छोड़ रखी है, यहीं सोए थे मज़े से। और सुबह आ गई बारिश, ये बारिश की वजह से उठ के भागे। ये देखो ये सामने ना ये पहाड़ी है, ये मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये मनसा माता का मंदिर है, ये माता मनोकामना पूरी करती है। अभी इस मंदिर भी जाऊँगा तो आपको वो मंदिर भी दिखाऊँगा, वहाँ पर जाके शूट करूँगा वीडियो आपको दिखाने के लिए। ये इतना प्यारा लग रहा है, ये छोटा सा पहाड़ गांव में, और ये माता का मंदिर, ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मंदिर है माता का, ये रहा। बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप बने रहना वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाइयों, और वीडियो को लाइक करोगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, जो मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए। ये है घर का एंट्रेंस, और ये बाहर थोड़ा सा खाली वो पड़ा हुआ है, थोड़ा गैलरी सी बाहर, और ये घर का एंट्रेंस है। ये इनका सरनेम का बोर्ड लगा हुआ है, मंडोरा निवास पूर्व सूबेदार फूलचंद मंडोरा। इनके पिताजी आर्मी में थे सूबेदार पोस्ट पे, तो वहाँ से रिटायर्ड हुए। ये घर है इनका, ये छोटे छोटे वॉशरूम बने हुए हैं, ये आंगन है, एक रूम इधर बना हुआ है, एक रूम इधर बना हुआ है, ये एक इधर, और ये आंगन में नीम का पेड़ है, और ये ऊपर छत पे जाने का रास्ता, अभी छत पे भी दिखाऊंगा। ये एक रूम इधर बना हुआ है, ये एक रूम इधर बना हुआ है, एक रूम ये सामने है, एक रूम ये इधर है, एक रूम कोने में है, एक रूम इधर है, ये, और ये छत कुछ इस टाइप की है। और छत दिखाता हूँ, ये छत पे जाने का रास्ता देखो, ये कहते हैं जय जी बता रहे 80 साल पुरानी सीढ़ियाँ है, और देखो कितनी सफाई से बनी हुई है, और देखो कितना स्पेशियस है जीना, ये नहीं है छोटा सा है, ये देखो ये है, ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, ये सारी नीचे की छत है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखो ये छत पे से ऐसा नज़ारा है, ये सामने ये किसी की छोटी ये भी हवेली बनी हुई है, हवेली टाइप की, यहाँ कोई बनिया रहते थे, बनिया फैमिली, वो यहाँ से कलकत्ता शिफ्ट हो गए, तो इतना बड़ा घर ऐसे ही छोड़ रखा है ताला मार के। और ये देखो वो खड़ी सामने अपनी लाडो पार्किंग में, वो जगह भी इन्हीं की है, तो वो पार्किंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे घर में छोटा मोटा फंक्शन होता है तो वो पार्किंग वगैरह या टेंट वगैरह लगा देते हैं वहाँ पर, तो वहीं पर हो जाता है छोटा मोटा फंक्शन। ये देखो ये नीम का पेड़ है। अब एक चक्कर हो रहा है दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ से ये जो रोड देख रहे हो आप, ये आगे ये रोड जा रहा है, ये बनने वाला है हाईवे थोड़े टाइम में, जयपुर निकलेगा ये रास्ता सीधे ही। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो रोड को चौड़ा कर रही है,
तो वो जो साइड के जो मकान है ना उनको तोड़ने में लग रही है। तो आगे अभी जहाँ से स्टार्टिंग हुई है इस रास्ते की, वहाँ से यहाँ तक काफ़ी मकान टूट चुके हैं। लोग बाग अपने आप ही तोड़वा रहे हैं मकान, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट तो सीधे जेसीबी लाएगी और तोड़ेगी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम अपने हाथों से ही तोड़वा दें, वरना जेसीबी तोड़ेगी तो सारा मकान हिला देगी वो, तो वो कौन सा आराम आराम से तोड़ेगी। तो उस चक्कर में ना इनका भी कुछ हिस्सा जाएगा। इनका ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा साइड में से करीब ये यहाँ तक मेरे पैर से लेके वहाँ तक ये हिस्सा भी इनका चला जाएगा, इस हवेली का मतलब इतना हिस्सा चला जाएगा। और इतना हिस्सा गवर्नमेंट उस तरफ से लेगी, सामने जो ये घर देख रहे हो ना उधर से, तो इसे चौड़ा रोड बनाएगी और सीधे ये रास्ता जयपुर निकलेगा। तो अब तोड़ाई फोड़ाई स्टार्ट हो गई है, अब जल्दी में जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम तेज़ी से चालू है। अब तैयार हो जाएगा, मुझे लगता है 2-4 साल में पूरा हाईवे बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से लोग निकला करेंगे यहाँ से। और ये जो है इनकी हवेली, इसकी भी वैल्यू और बढ़ जाएगी जब ये हाईवे पे आ जाएगी। तो अभी तो ये लोकल रोड ही है। बाकी हवेली कैसी लगी भाइयों कमेंट में बताना, जैसी भी है जो भी है, इनके यहाँ पे इसको हवेली बोलते हैं भाई, अब गांव के देसी लोग हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे मेरे नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो भाइयों अब ना हम इनके जिया जी के दूसरे घर जा रहे हैं। ये इनका पुराना घर है जो खाली पड़ा हुआ है, बंजर एकदम, तो वहाँ चल के आपको दिखाऊंगा कैसा है वो घर। काफ़ी कई साल पुराना है, 100 साल से ऊपर, भूतिया सा बन गया है, खंडर। वहाँ जाके देखते हैं कितना भूतिया है और कितना इंसानी है। हाँ वो रहा माता का मंदिर। हाँ ये देखो, ये ऊपर माता का मंदिर है। अभी शाम को वहाँ भी चलेंगे, अभी धूप बहुत तेज है यहाँ पे। क्या है ये आप अपनी है? ये देखो जी, ये जगह है अपनी। तो यहाँ कौन से वो पल्ले वाली? ये देखो ना, इधर को निकल जाओ साइड में, ये मारेगा। ये बैठा हुआ है अपनी जगह पे। ये देखो जी, ये भी इनकी जगह है। ये था अपना, इधर तो नहीं आया। फुंकार रहा है भाई, फुंकार मार रहा है। ये नंदी महाराज बैठे हुए फुंकार मार रहे हैं। यहाँ कौन से भूत है? ये तो उजड़ा पड़ा है। ओ देखो जी, ये पड़े, ये देखो ये खंडर पड़े हुए खाली, ये बने हुए कमरे। ये देखो जी, ये देखो ये देखो जी, ये सारे, ये सारे कमरे खाली पड़े हैं सारे। एक यहाँ पड़ोस में तो रह रहे हैं लोग बाग हैं जी। अच्छा ये उन्हीं का घर है। अच्छा अच्छा हाँ, यही चले इधर। तो ये यहाँ रास्ता तो यहाँ से भी है, ये रहा निकलने का ना, ये रहा इधर, ये दीवार टूटी हुई है ना। हाँ यहाँ कौन सी भूतनी नाच रही, ये तो फुद्दू बना रहे। पड़ो राजस्थान, अच्छा नंदी महाराज भाई चल रहे, आप बैठो आराम करो। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। ओहो अभी गिर जाता। ये भी सारे खंडर है, खाली पड़े सारे। खाली है। ये देखो जी, ये बहुत ही खंडर। बाकी एक बार इधर भी चलते हैं। ये देखो
ये सारा ये खंडर पड़े हुए हैं सारे खाली। ये देखो ये रास्ता आगे जा रहा है, ये देखो ये देखो ये सारे खाली खंडर पड़े हुए हैं सारे। सामने खड़ा हूँ मेरे फोटो बड़ी मस्त है। ये देखो भाई ये सारे खंडर पड़े हुए खाली खाली खंडर पड़े हुए सारे। ये देखो ये ना गांव में लोग नीचे बस गए जाके, पहले यहाँ रहते थे सब, सबके अपनी अपनी जमीनें, कुछ यहाँ से कलकत्ता चले गए, जो अपने मतलब बनिया बरादरी थी जो वो कलकत्ता जा चली गई है जी। हाँ ये गेट वही है ना ओस्त्री कलाना वाला। हाँ अरे भाई वही गेट है ये तो, अरे कंगन चूड़ी पड़ी है भाई यहाँ तो बच के साइड में। हाँ देखना ओए होए ये देखो भाई हाँ ये रहा रास्ता मंदिर का, वो मंदिर सामने, और ये देखो ये देखना किलो की तरह छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये खाली छोड़ छोड़ के लोग बाग। नहीं नहीं जीने में तो नहीं, धूप धूप लगेगी। अरे हम तो हनुमान जी को सीने में लेके चल रहे हैं भाई और भोले बाबा को। ये देखो भाई ये सारे खंडर बने हुए हैं पुराने, वो देखो सामने वो देखो अलग ही नजारा भाई कसम। हाँ ये सामने वाले उसमें आ गया मैं जो अभी दिखा रहा था। ये देखो यार ये तो बंदा, ये देखो छत सारी लकड़ी की है, उसके ऊपर सारा पत्थर बिछा रखा है। ये देखो सामने से ली जाएगी, ये देखो ये सीढ़िया एकदम तंग सीढ़िया भाई, बड़े मजबूत बहुत मजबूत बने हुए हैं ये घर है नी, ये कई 100 सालों तक अब भी ना जाएंगे कहीं। कितने साल पुराने हो गए होंगे ये? बहुत पुराने, 100 साल से तो ऊपर होगा इनका है जी। 100 साल से ऊपर है, 100 साल से ऊपर है ना। हाँ ये ऊपर फोटो शूट करा रहे हैं किले के दरवाजे पर खड़े होके बच्चे, देख गिरा मत दियो हाथों से हिला के। हाँ देखना ये कितनी भूतिया जगह है भाई, ये देखो बंदर है यहाँ, हॉन्टेड जगह है। ना ना कुछ नहीं करेंगे चलो, अरे ये वो वाले ना है ना तो मैं चपेट मार के लिटा दूंगा बंदरों से। चलो निकलो अपने अपने घर चलो। ये देखो चलो ये देखो ये भाई ये तो पूरा गांव सा ऐसा लग रहा है, उजड़ा पड़ाव जैसे है ना, भानगढ़ उज्जड़गढ़ उज्जड़गढ़ ये आगे तक ही है, आगे नहीं जा रहे यहीं तक से। हाँ देखो इधर देख, चले चले आगे चले थोड़ा सा इधर से चलो। हाँ तो यहाँ पे हाँ जी हवाओं का चक्कर भी है क्या? क्या कुछ भी हवा चक्कर नहीं है, कोई नहीं है ना, वो तो ऐसे ही है। इधर से निकल ला, निकल इधर से है रास्ता है। चलो अभी तो आउटर रहे ये तो यहाँ पर है भी रहे। वाह ये देखो पुरानी पुरानी इमारतें इमारतें क्या, ये तो वो ही है महल से बने हुए छोटे छोटे। ये देखो ये सीढ़ियाँ जर्जर हालत में हो गई है, 100 साल से पुराने मकान है। ऊपर तो हाँ
ये देखो कल परसों आएंगे ठीक है। ऊपर एक खंडर नजर आ रहा है सामने। ये लोग बागों ने छोड़ छोड़ के कुछ बाहर जाके रह रहे हैं बाहर के शहरों में और कुछ नीचे गांव में बस गए हैं। ये ऊपर ये देखो पूरी बिल्डिंग भाई एकदम वैसी जगह है हॉन्टेड है नी। हाँ रात के टाइम तो वो जो लोग वाग यहाँ रह रहे हैं उनकी भी हिम्मत है ना। हाँ यहीं तक है आगे तो फिर वो रिहाइश है। ये मंदिर है जी ये देखो ये पुराना मंदिर है ये राम जय श्री राम। हाँ ऊपर हाँ जी हाँ ये देखो कितनी अच्छी वो कर रखी है इस पे किस पे देखो इस पे कितना बढ़िया डिजाइन बना हुआ है। ये देखो नकाशी सी टाइप की हुई हुई है जैसे पेंटिंग होती है वैसे देखो कितनी जबरदस्त है। हाँ ये देखो अब डर नहीं कभी पीछे ही कोई तरह मुंह दबा के ले जाए खंडर में हवा और चुड़ैल तेरे से कोई शादी वादी कर ले है मंदिर के। हाँ ये रहा मंदिर दूसरा गांव है क्योंकि ये पूरा महल ये देखो उजड़ा हुआ जैसे देखते हो हाँ, छोड़े बहुत परे सारा उजड़ा हुआ गांव है ऐसा लग रहा है जैसे आप भूत बसते हो यहाँ पे। नरसिंह बाबा का मंदिर है ये नरसिंह बाबा का मंदिर है जी जहाँ भूत है वहाँ भगवान जरूर है। ये देखो ये नरसिंह बाबा का मंदिर है जी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है जय नरसिंह बाबा। ये देखो जी ये सारा मंदिर का एरिया है। हाँ ये सामने धर्मशाला है मंदिर के और ये क्या बना हुआ है ये कुआं बना हुआ है एक। ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का नरसिंह बाबा। नरसिंह बाबा के नाम तो आपने सुना ही होगा नरसिंह जी का अवतार जो विष्णु जी का अवतार था मतलब नरसिंह जी का रूप उनके बारे में आपने सुना ही होगा तो उन्हीं का मंदिर है। यहाँ पे मेला भी लगता है साल में मई के महीने में। ये देखो यहाँ पे रेंट पे लेके आप रह सकते हो ये होटल्स वगैरह टाइप के बने हुए हैं। हाँ जब कभी आओ जैसे यहाँ मंदिर में लोग वहाँ मेला लगता है ना तब यहाँ बहुत भीड़ होती है पूरे गांव में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। अब ये बाहर की तरफ आ गए जहाँ पर लोग वहाँ रह रहे हैं बाकी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें कुछ देखूंगा अलग तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा बस आप देखते रहना वीडियो। ये देखो जी ये है छोटा मंदिर तो वो मंदिर यही है छोटे वाला। अच्छा इधर है ये है? अच्छा ये देखो जी ये है नरसिंह बाबा का ये दूसरा मंदिर है वो बड़ा है मंदिर और ये छोटा मंदिर है दो मंदिर बने हुए हैं इनके यहाँ पे। ये सामने वही पहाड़ है मनसा माता का मंदिर और ये पुराने खंडर बने हुए। हाँ ये मंदिर के पास ही कुआं बना हुआ है सामने है। ये मंदिर के पास बना हुआ है कुआ और ये देखो कुएं की गहराई ये देखो कितना गहरा है कम से कम 50-60 फुट गहरा मंदिर कुआ है सॉरी मंदिर के सामने ही है कुआ जस्ट सूखा पड़ा है लेकिन पानी नहीं है इसके अंदर। ये यहाँ का ना कब्रिस्तान है जो मुस्लिम रीति रिवाज से जब दफनाते हैं तो उसके लिए ये है यहाँ गांव में एक छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ ये उसका फ्रंट गेट है मतलब मेन गेट। अब इसके अंदर तो मैं जा नहीं रहा हूँ अपने
यहीं से आगे चल रहे हैं, अभी रास्ते में पड़ा तो आपको दिखा दिया। ये है जी छतरी धाम, देखो मतलब क्या कोई वो है क्या धर्मशाला टाइप की? अच्छा मंदिर है क्या? अच्छा कुआं है अंदर और बाकी ये साइड में मंदिर है। अच्छा ये छतरी धाम के नाम से मंदिर है जी यहाँ पे, और ये साइड में लोग बागों के घर बने हुए हैं। देखो कितना सुंदर घर बना हुआ है ये छोटा सा, और ये देखो ये इधर खंडर बना हुआ है, यहाँ भी ताले लग रहे हैं। लोग बाग रह भी रहे हैं जो उन्होंने बना लिए नए, और बाकी जो पुराने हैं वो छोड़ छाड़ के चले गए हैं यहाँ से। कुछ नीचे गाँव में रह रहे हैं तो कुछ बाहर शहरों में रह रहे हैं, है नहीं यही बात है ना? ये स्कूल है यहाँ का प्राइवेट स्कूल, देखो यहाँ से इसकी आगे से एंट्री है, दिखाता हूँ आपको। गांव का यार नेचर ही अलग है बिल्कुल ना, हर चीज़ एकदम ताज़ी एकदम फ्रेश। बस ये देखो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, ये देखो एकदम मसूरी के स्कूल वाली फीलिंग है, पहाड़ों के बीच में है नहीं। ये देखो ये है जी स्कूल, ये स्कूल है, ये स्कूल का नाम है हाँ BEM स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल हसामपुर पाटन सीकर। ये देखो जी ये प्राइवेट स्कूल है ना, ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, देखो है पहाड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं, जैसे मसूरी में बने रहते हैं नहीं। हाँ जबरदस्त देखो जी, हाँ ये कितने साल पुराना है जी? ये पीपल का पेड़ है जी, 100 साल पुराना। देखो ये रहा, ये देखो जी खेतों में काम चल रहा है, ये निकाल रहे बाजरा, जो कल मैंने दिखाया था आपको वो बाजरे की फसल थी, अभी उससे बाजरा अलग कर रहे हैं मशीन में डाल के। ये दरगाह टाइप की बनी हुई है छोटी सी, और ये देखो चारों तरफ पहाड़ ये देखो चारों तरफ, और ये है वो पीपल का पेड़, 100 साल पुराना पेड़ है। ये क्या बना हुआ है? ये मस्जिद है क्या? है मजार है, ये मजार बनी हुई है इधर पीपल के पेड़ के पास, और ये इधर है एक पुराना कुआं। हाँ ये देखो ये 100 साल पुराने यहाँ पे बड़ के पेड़ है, वो पुराना कुआं भी है देखो। सारी पुरानी इमारतें राजस्थान में ही है, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं सब है ना। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे मंदिर सा हो। ये देखो जी ये पता नहीं क्या है लेकिन इसकी बनावट कुछ कुछ ऐसा लग रही है जैसे मंदिर हो। अंदर तो मैं जा नहीं रहा भाई, मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तो डर मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं ड्यू नहीं पीता स्प्राइट पीता हूँ इसीलिए। ये देखो ये कुआं दिखाता हूँ आपको, ये देखो और तेरी ओहो, ये देखो भाई ये कुआं कितना गहरा है, कम से कम 70 फुट गहरा है जी। ये देखो ओहो ये बड़ा भयानक है भाई कुआं। हाँ ये देखो जी ये बड़ के पेड़ है 100 साल पुराने, कुआ वाला गहरा है, कुएं में जैसे ही झांकना शुरू किया ना तो दहशत सी हो गई। मैं कहा भाई ये तो इसका तो ये व्यू बहुत प्यारे हैं, ये देखो ये सारी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसे अपना देहरादून सिटी है ना, बीच में शहर है, ये स्कूल है सामने, और ये हाँ ये चारों तरफ देखो ये पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ के बीच में बसा हुआ शहर है। हाँ जी ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये खेतों के पीछे सारे पहाड़ है, ये जैसे एक बॉर्डर बना हुआ हो, इधर भी पहाड़ है, ये देखो इस तरफ भी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में खेत, एकदम बेहतरीन है। ये बाजरा खा रहे हैं क्या? बाजरा लेके आए हो? रोटी बढ़िया बनेगी, सफेद है रोटी बढ़िया बनेगी।
ये देखो जी, ये बाजरे के दाने, अभी तो खा के चेक करेंगे, चेक कर टेस्ट करेंगे। ये वही बाजरा है जो शहरों में कबूतरों को डाला जाता है, और गांव में देसी लोग इसकी रोटी बना के खाते हैं। शहर के लोग तो हजम भी नहीं कर पाएंगे बाजरे को, और गांव के वही लोग बाजरे की रोटी, चटनी और साग, और साथ में लस्सी। ओहो हो, क्या बात है, वाह। ये भास्कर जी का स्कूल है क्या? राजस्थान टॉपर, सेकंड आई है लेकिन ये। हाँ ये दो उंगली, ये भी सेकंड है यार, सारे सेकंड है क्या? 95% मोहित यार, लेकिन बना बहुत अच्छा रखा है, स्कूल है, है ना? है? ये देखो जी, ये ऊंट दिख रहा है आपको खेतों में, ये ऊंट है, इसी को कहते हैं ना, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ ऊंची। इंग्लिश में बता दे, कैमल बोलता है? हाँ कैमल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इतना तो लोग बाग जितने व्यूअर्स हैं सारे समझदार हैं। हाँ नहीं दिखा दिया वो जीरा। लो जी अब वापस जा रहे हैं जहाँ से आए थे, लेकिन रास्ता चेंज हो गया, उन खंडरों के बीच में से नहीं जाएंगे, अब ये दूसरा रास्ता है, वहाँ से निकलेंगे, तो बाकी आपको दिखाऊंगा आगे के नज़ारे। हाँ सही बात है, ये छत्री धाम के मंदिर है जहाँ पे अभी हम गए थे, लेकिन गेट पे ताला लग रहा था तो अंदर नहीं जा पाए। पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, ये मंदिर है वो छत्री धाम। चलो चलते आगे।